हेलो एवरीवन जैसा कि आपको लग रहा होगा बहुत टाइम से सीएमए इंटर का कोई वीडियो हम लोग ने डाला नहीं यूट्यूब में आ, इसका रीजन क्या था कि हम लोग सीएमए इंटर के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वाला चीज प्लान कर रहे थे आ, जो करते हुए थोड़ा टाइम हो गया था और जब कोई बड़ा प्लान होता है जब कोई बड़ा चीज आने वाला रहता है तो जैसा कि आपको पता है उसमें टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगता है अब अगला क्वेश्चन उठता है आप लोग के माइंड में आ रहा होगा ऐसा क्या बड़ा प्लान होने वाला है हम लोग के लिए तो जैसे ही आप लोगों को पता चलेगा आप लोग के लिए फैंटेस्टिक न्यूज होगा आप लोग के लिए जबरदस्त वाला सरप्राइज सही है

कि कहीं ना कहीं तीन सौ चार सौ नंबर तो हो गया पर जो पेंडिंग पोर्शन है वो भी अगर हो जाता तो कितना अच्छा रहता आ, हमारा ओवरऑल जो सिलेबस है उसका पूरा मैराथन एक एक वे वे में में होता होता तो तो कितना अच्छा रहता तो ये हम लोग को भी महसूस होता था यार ऐसा होना चाहिए सो so, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली वो दिन आ गया जब हम लोग ने डिसाइड किया चलो काम करते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट को हम लोग लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले जुलाई 23 में ऑल 800 मार्क्स

आप एक काम करो जब ओ एम एस एम आईडी से लोग इतने खुश हैं तो क्यों ना आप एक काम करो जरा लॉबी पढ़ा दो तो फाइनली मैं सर ने हाँ किया कि हाँ चलिए ठीक है मैं लॉ लेने को रेडी हूं अब तुम लोग सोचेगा कि तीन सौ मार्क्स पढ़ा रहे हैं आप थ्री हंड्रेड मार्क्स पढ़ा रहे हैं ये तो अगला क्वेश्चन उठता है जो सुपर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंट्स उसका क्या अब अगला क्वेश्चन उठता है अकाउंट्स कौन पढ़ाने वाले हैं तो इस पे हम और मैं सर बहुत रिसर्च किए काफी सारे स्टूडेंट से फीडबैक लिए तो लास्ट में जाकर सब स्टूडेंट लोग का के मुंह से एक ही नाम जो यूनानिमसली हम लोगों को सुनने मिला जिनको पढ़ाते हुए पांच साल हो गए अकाउंट्स जबरदस्त वाला रिस्पांस रहा है आप लोग उनका नाम जरूर जानते हैं और इनफैक्ट वो इस तरीके से अकाउंट पढ़ाएंगे कि वो थ्योरिटिकली ना समझाए कि अकाउंट्स क्या होता है जनरल क्या है लेजर क्या है क्या कैसे करना है वो प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सब जो छोटा छोटा चीज है किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है

थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सच अइस इंट्रोडक्शन इट इज़ एन ऑनर टू बी एसोसिएटेड विथ यू एंड आपके साथ मिलकर हम लोग सब सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाएँ तो uh, जैसा कि सर ने बताया कि अब हम लोग सारे ही सब्जेक्ट को एक साथ पूरी तरह से कवर करने वाले हैं सी एम ए इंटर के लिए एक्सक्लूसिवली। तो सी एम ए इंटर के लिए सारे ही सब्जेक्ट का हम लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन सेशन कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग हर एक सब्जेक्ट को एकदम सफिशियंट टाइम दे करके दो दो दिन में बिकॉज जनरली जब हम लोग एक दिन में पूरा सिलेबस कवर करने का कोशिश करते हैं तो उतना इफेक्टिवली उतने अच्छे से कवर हो नहीं पाता है इसीलिए हम लोग एकदम इस तरह से प्लान आउट किए हैं कि आप लोग को रिविजन मटीरियल भी प्रोवाइड करें उस रिविजन मटीरियल के थ्रू ही आपको पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन करवाएं एक एक सब्जेक्ट में दो दो दिन लेकर के और उसके बाद जब आप सेकेंड डे में अपना प्रेपरेशन कंप्लीट करें तो आप लोग तुरंत ही मॉक एग्जाम भी दे करके एकदम अपने आप को टेस्ट कर सके कि आप एग्जाम के लिए कितने अच्छे से रेडी है आप लोग ऑलरेडी अभी तक बहुत अच्छा से प्रेपरेशन अपना कर ही चुके होंगे फिर जैसे आप लोग को एग्जाम देना है उसी के लिए आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि एक आप लोग का रिहर्सल होने वाला है अब इसके बारे में आप लोग को कंप्लीट डिटेल कि एग्जैक्टली exactly, uh, कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का रिविजन होगा क्या टाइमिंग्स रहेगा क्या बाकी डिटेल्स मॉक एग्जाम कैसे होगा आप लोग को माइंड सर आफ सर बताएंगे हेलो एवरीवन तो जैसा कि आपको पूरा एक जबरदस्त इंट्रोडक्शन और प्लान यहां तक समझ में आ चुका है कि अपने क्या लाने वाले हैं जुलाई के लिए एंड ऑन वर्ड ऑफकोर्स चलता जाएगा तो मैं आपके संग बस ये बता देता हूं बहुत डिटेल में अपना वे फॉरवर्ड क्या रहेगा फॉर जुलाई ट्वेंटी थ्री एग्जाम्स अपने किस तरीके से रिविजन शेड्यूल को प्लान करेंगे किस तरीके से वो एग्जीक्यूट किया जाएगा ए टू जेड सारा डिटेल्स आज तक आप हमारे साथ रिवाइज करते थे तो आपको एक फीलर uh, है एक आइडिया ज़रूर है कि हम लोग वो 300 और 400 मार्क्स को किस तरीके से कवर करते थे किस डिटेल में जाके एक एक छोटा छोटा पॉइंट्स को कवर करते थे कि फिर घर बैठ के जब आप वो रिविजन सेशन एंड करके घर जाओ तो आपको ये ना लगे कि वापस से बुक खोल के देखने का दरकार है आपको ये ना लगे कि कुछ मिस हुआ है तो बिल्कुल वही चीज को बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी को हमने बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इंप्लीमेंट करने का प्लान किया है जिससे कि जो आपको प्रॉब्लम आज तक फील होता था जो आप आके हम लोग के संग शेयर करते थे कि ये तो ठीक है अब ये बताइए कि बाकी सब्जेक्ट्स का हम लोग कैसे प्लान बनाए कैसे रूटीन बनाए किस तरीके से शेड्यूल बनाए कैसे पढ़े नहीं समझ आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना हम लोग सारा कुछ आपके लिए यहां पे करने वाले रूटीन भी हमने बना के रखा है जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है एग्जाम अपना फिफ्टींथ जुलाई को शुरू होने वाला है और हम लोग रिविजन बहुत पहले ही शुरू कर देंगे विल स्टार्ट फ्रॉम द एटींथ जून

जून को अपने स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग के साथ बाय दिन के बाद 28 जून को अपने कॉस्ट अकाउंटिंग लेंगे इस तरीके से दो दो दिन का हमने प्लान ऑफ एक्शन बनाया है फॉर ऑल द सब्जेक्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको पता रहेगा ये एज ऑफ नाउ यह अपना टेंटेटिव स्केड्यूल है इनकेस कुछ भी चेंज होता है मान लो अगर हम लोग को कोई एक सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा डे का रिक्वायरमेंट होता है डोंट वरी हम लोग वो नेसेसरी चेंजेस लेकर आएंगे अगर रिक्वायर्ड लगा जिससे कि आपके प्रेपरेशन में कहीं कोई झोल या कहीं कोई लक्यूना नहीं रहेगा ऐसा नहीं होगा कि दो ही दिन अगर रिक्वायर्ड दो ही दिन में रैपअप करे कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी नहीं एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग एक दो दिन आगे पीछे जरूर करेंगे और सब कुछ आपको अपडेट कर दिया जाएगा अब करना कैसे ये बता दो कुछ नहीं करना आपको बस अपना दिल और दिमाग लेके जून को हमारे साथ लॉग इन करना है बाद तरीके से कितने बजे रिवीजन सेशन करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे क्या रिवीजन मटेरियल होगा वो हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे आपको कुछ लेकर नहीं आना है और ये किस तरीके से शेयर होगा कौन से चैनल के थ्रू कौन से मीडियम से शेयर होगा ये सारा जो टेक्निकल डिटेल्स है वो आपको फॉलो वीडियो में शेयर कर दिया जाएगा फिलहाल मेन क्रक्स का बात करते तो ये आपका शेड्यूल और उसके बाद मॉक टेस्ट अपने लेंगे 18th, 19th जैसे सपोज करो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जब आपका रिवीजन सेशन हुआ तो 19th डे एंड पे अगर आप एक तरीका होगा कि अपना रिविजन हो गया अभी अगले दिन नेक्स्ट सब्जेक्ट का रिवाइज करता है पर फिर भी हो सकता है आपको सारे सब्जेक्ट के एंड में लगे कि टेस्ट कहां दिया टेस्ट तो मिसिंग रह गया तो यही चीज को साथ में इनकॉर्पोरेट करते हुए हमने सोचा और ये डिसाइड हुआ कि एटीन और नाइनटीन जब आप अकाउंट्स का रिविजन कर लोगे साथ ही में हम आपको एक बहुत सही कंसिडरिंग uh, जो आपका एग्जाम पैटर्न है मॉक टेस्ट पेपर सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक मॉक टेस्ट पेपर डिजाइन करेंगे फॉर ऑल सब्जेक्ट वो आपको सेकेंड डे जहां वो सब्जेक्ट एंड होगा वो आपको शेयर कर दिया जाएगा और उसका सोल्यूशन सेट सब कुछ आपको शेयर कर दिया जाएगा जिससे कि आपका रिविजन एंड हुआ रिविजन अपने साथ में किए उसके बाद अपने साथ में मॉक टेस्ट बैठ के सॉल्व कर लेंगे इससे होगा क्या पढ़ तो लिए रिवाइज तो कर लिए सारा कुछ और उसके साथ एक बार टेस्ट भी दे दिए तो पूरा का पूरा सिलसिला जो आप फिफ्टींथ जुलाई से चालू करने वाले थे फॉर एग्जाम्स वो अपने पहले ही कर चुके हैं एंड इवन बेटर इस समय आप हम लोग के साथ कर रहे हैं तो जब 15 जुलाई को एग्जाम में बैठोगे आपको जो डर रहता है ना मन में कि ये कुछ छूट गया तो नहीं ये रह गया तो नहीं वो ज्यादा पढ़ के आया होगा ये सब आपके मन में नहीं रहेगा और जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ आप फिफ्टींथ जुलाई एग्जाम्स शुरू करोगे सो so, ये रहा हम लोग का एक फैंटेस्टिक अनाउंसमेंट जो हम लोग को जिस के बेसिस पे तुम लोगों को क्या करना है कुछ नहीं करना आ, 18 से लेके 5 जुलाई तक हमारे साथ जुड़े रहना और ये मेरा रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से कि प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज ये रिविजन वीडियो जरूर देखना ये मैराथन जरूर करना हर एक जन मॉक टेस्ट देना जरूर करना खुद भी करना अपने सारे फ्रेंड को बोलना कि ये पूरे के पूरे सीरीज को साथ साथ में फॉलो करें यकीन मानो हर एक पेपर में जो भी मार्क्स आने वाला था

अब एक और फॉलोअप वीडियो आएगा जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे किस दिन कितने बजे क्या क्या होने वाला है रिविजन वीडियो रिविजन मटीरियल कहां से मिलेगा तो हम लोग सीधा मिलते हैं मैराथन के, uh, के, के साथ चलो थैंक यू सो मच बाय